गोवा राज्य में बढ़ती कोविड के केसेस मान करके हमने जो एसओपी जो दिया था उस एसओपी का पालन करें, इसलिए हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी हमने लोगों को सेपरेटली स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द होम आइसोलेशन उनके जो जो ट्रीटमेंट यानी पहले से स्टार्ट करने की लोगों को रिक्वेस्ट की है, क्योंकि वो टेस्ट के रिपोर्ट के लिए न रुकते हुए भी दवा उन्होंने स्टार्ट करनी चाहिए, जिससे ऑल द मेडिसिन विच इज अवेलेबल इन पीएचसी वो स्टार्ट करने की हमारी रिक्वेस्ट है सभी लोगों को। और ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी लोग स्टार्ट करें, यही उद्यम करेंगे कि फ्री टेस्टिंग और जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट, इतने से लोगों को मुझे लगता है थोड़ी राहत लोगों को मिल सकती है। द वैक्सीनेशन कैंप और टेस्टिंग, जैसे कि वैक्सीनेशन पीएचसी की जगह पे नहीं दूसरी जगह पे स्टार्ट करने के लिए हमने आज से स्टार्ट किया है। और बढ़ते केसेस ध्यान में रखते हुए हम थर्सडे नाइट से मंडे मॉर्निंग तक स्टेट में लॉकडाउन घोषित कर रहे हैं, और इसी में एसेंशियल सर्विसेज पूरे चालू रहेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा, इसमें इंडस्ट्रियल सर्विसेज चालू रहेंगे। जो एसेंशियल सर्विस में गवर्नमेंट में जो एसेंशियल लगते हैं वही ऑफिसेज चालू रहेंगे, उसका डिटेल्स जो है आज हमारे बोथ द कलेक्टर्स इसके डिटेल्स एसओपी आज शाम को 5 बजे तक निकलेंगे। इससे लेबर को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, मंडे से फिर से एक बार जो कंटिन्यू है वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। इससे चेन ब्रेक करने के लिए लॉकडाउन हमने घोषित कर दिया है।